नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम एक बार फिर परिवर्तन हो रहा है। त्यौहार के अगले दिन लगभग बहुत सारे राज्यों में मौसम के बदलाव देखा जा सकता है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात सिस्टम उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ तथा आसपास के राज्यों में तेज़ बारिश होने के आसार हैं। इसे खाती सिस्टम की वजह से उड़ीसा के अनेक राज्यों में तेज़ हवाएँ भी चल सकती है। इसके साथ उत्तरी भारत के कई राज्यों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 और 16 मार्च को राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं 17 मार्च को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी की संभावना है। बताया गया है कि दिल्ली में फिलहाल मौसम भले ही साफ हो गया हो, लेकिन होली के बाद बारिश की संभावना है। दोपहर बाद हल्की बारिश होगी। इसके साथ ही 15 मार्च तक ठीक ठाक बारिश होने के भी आसार है। तेज़ हवाएं चलेंगी और साथ में बारिश होने से तापमान में गिरावट आ जाएगी, जिससे दोपहर ठंड पड़ेगी। वहीं बताया गया है कि 16 और 17 मार्च के बाद आसमान साफ रहेगा और इसके बाद तापमान में भी इजाफा होने लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में तेज़ बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही उड़ीसा के समुद्र तट पर आंधी तथा तेज़ हवाएँ चल सकती है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी।